महीने के बाद मुझे कैद से रिहाई मिली है, इसका पूरा श्रेय मैं न्यायपालिका को देती हूँ। न्यायपालिका ने मेरे साथ इंसाफ किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आइंदा भी मुझे न्यायपालिका से इंसाफ मिले। आजम खान जी के ऊपर लगातार मुकदमे दर्ज होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं कहा ना कि न्यायपालिका से मुझे इंसाफ मिला है तो उन्हें भी इंसाफ मिलेगा यकीन है। ये सोचिए, ये फैसला तो आपको खुद करना है कि मैं गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में लेक्चरर थी, 60 साल तक मैंने पढ़ाया है और मेरी सत्यनिष्ठा खुद सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की है, तो 60 साल के बाद अचानक मैं क्रिमिनल हो गई है ना? ये तो आप खुद आप लोग सोचिए कि जिस आदमी ने 60 साल तक की राजकीय सेवा की और सत्यनिष्ठा भी सरकारी अधिकारियों ने प्रमाणित की कि अचानक मैं 60 साल के बाद जब मैं सेवानिवृत्त हुई यानी रिटायर हुई तो उसके बाद मैं अचानक इतनी बड़ी क्रिमिनल हो गई कि मेरे खिलाफ 50 तक की मुकदमे लिखे गए।